फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एम सी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कैनन प्रिंटर G2010 मॉडल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में। और मेरा प्रिंटर रेडी है और यहाँ पे वन लिखा हुआ, यानी हम फोटो कॉपी करने के लिए तैयार हैं। और मेरे पास ये विजिटिंग कार्ड है और इसमें ये प्रिंटर में छोटी सी प्रॉब्लम है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको दिखाते हैं आज। आइए फोटो कॉपी मारते हैं। इसमें मैंने रख दिया है और ये मैंने बंद कर दिया। कलर वाले बटन प्रेस कर रहे हैं, हमने कलर वाले बटन प्रेस कर दिया है। प्रिंटर पेपर इन कर लिया है और प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है, यानी फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। आप जैसे देख पा रहे हैं पेपर अंदर जा चुका है और फोटो कॉपी कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी इस फोटो कॉपी पे यहाँ और यहाँ पे लाइनिंग काट रहा है, यानी हमारा जो विजिटिंग कार्ड है यहाँ और यहाँ पे देखिए लकीर है, जबकि हमारे विजिटिंग कार्ड पे लकीर बिल्कुल नहीं है। आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे इस विजिटिंग कार्ड पे लकीर नहीं है और इस पे फोटो कॉपी में लकीर दे रहा है। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरा है, बट यहाँ पे लकीर आ रही है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम इसको इसका पैटर्न निकालेंगे कि इसका पैटर्न में क्या इशू आ रहा है। अगर पैटर्न में इशू है तो हमारा जो प्रिंट आउट है वो खराब आएगा। तो आइए चेक करते हैं। पैटर्न निकालने के लिए हमको हम इस टूल्स वाले बटन को एक बार प्रेस करेंगे। हमने प्रेस कर दिया है, प्रेस करते ही यहाँ पे इसका निशान आ जाता है, लोगो आ जाता है। अब हम इस ब्लैक बॉडी बटन को एक बार प्रेस कर देंगे, जैसे कि हमने प्रेस कर दिया है। पेपर इन कर लिया है और इसका जो पैटर्न है अभी वो प्रिंट कर रहा है, यानी नोजल चेक कर रहा है, नोजल प्रिंट हो रहा है। फ्रेंड्स, आप लीफ बीट देख सकते हैं कि हमारी इस नोजल में बिल्कुल कहीं भी इशू नहीं आ रहा है, यानी कोई भी एरर नहीं आ रही है। फिर भी इस पर कट रहा है और दो लकीरें आ रही है। हम इसका आप शॉर्ट आउट आपको दिखाने जा रहे हैं, यानी हमारा जो प्रिंटर है वो पैटर्न यानी कार्टेज की समस्या बिल्कुल नहीं है, बस इसमें एक छोटी समस्या है। हम आपको लीफ बीट दिखाते हैं। प्रिंटर को पहले आप ऑफ कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रिंटर को ऑफ कर दिया है, ऑफ वाले मैंने बटन दबा दिया है, प्रिंटर ऑफ हो गया है। ये ऑफ हो रहा है, ऑफ होने तक वेट करें। यहां से ऑफ होने के बाद ही आप प्लग अनप्लग करें पावर केबल, जैसे कि ये आप हो चुका है। अब जैसे कि हमने ये मैंने पेपर को बाहर निकाल दिया है और यहाँ से केबल को अनप्लग कर लेंगे। तो मैंने बाहर निकाल लिया है, ये बिजली का वायर है जो हमने बाहर निकाल दिया है। और हम क्या करेंगे, इस प्रिंटर को ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे इसको आपको ओपन नहीं करनी है, यानी इसका काम बिल्कुल ठीक है। हमारी इस पाइप में इंक है, यानी हम इसको टच नहीं करेंगे। हम आएंगे सीधे यहाँ पे, यानी इस चीज़ को ओपन करेंगे, यानी प्रिंटर के राइट साइड में हमको ओपन करना है। लेफ्ट साइड में हमको ओपन करना है। हमारे प्रिंटर सामने है, आपको बाएं हाथ साइड में ओपन करना है, यानी इस वाले कवर को, यानी लेफ्ट कवर को आपको ओपन करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ओपन करते हैं। हम यहाँ पे अनलॉक करेंगे लॉक से, जैसे हमने अनलॉक कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा अनलॉक हो गया है। और यहाँ पे पुश करेंगे, हमने यहाँ पे पुश कर दिया है, देखिए ये अनलॉक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे फंसा होता है। पास दिखाना, और उससे पहले हम यहाँ से दो नट ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये इस सेक्शन इससे फिट रहता है। तो हम ये क्या करेंगे, इसको हमने ओपन कर लिया है, ये मैंने बाहर कर लिया नट, और इसको भी हम बाहर कर लेंगे। और यहाँ लॉक होता है, इसको ऊपर उठाए, हमने ऊपर की ओर उठा लिया, देखिए यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे लॉक होता है, यहाँ पे, और ये घुस जाता है, इसमें सेट हो जाता है लॉक। और हम इसको बाहर कर लेंगे। बाहर करने के बाद यहाँ से
ये यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हमने अनलॉक कर लिया है पहले, और यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। और इसका जो पोजीशन है हम बैग यहाँ से भी अनलॉक कर लेंगे, नीचे से भी अनलॉक कर लेंगे। ये मैंने लगाया चिमटी और इसको अनलॉक मार दिया। फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको अनलॉक करना है, और हमने इसको बाहर कर लिया। देखिए आप, हम इसको बाहर कर लिए। आप देख पा रहे हैं कितनी इसमें धूल जमी हुई है, आप देख पा रहे हैं कितनी इसमें धूल जमी हुई। इसको हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सफाई कर देनी है। यानी मेन जो है ये सर्कल इनकोडर कहलाता है, यानी लेफ्ट सर्कल इनकोडर कहलाता है। तो ये इनकोडर की वजह से जो है आपका प्रिंट स्किप कर दे रहा है। जहाँ पे धूल लगी हुई है वहाँ पे ये जो सेंसर उसको पढ़ नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पे स्किप कर देता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको साफ कर देंगे। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे स्किप नहीं करेगा और हमारा जो पैटर्न है वो नहीं कटेगा। तो हम इसको ओपन कर रहे हैं, इस सेंसर को ओपन कर लेवे जैसे कि मैंने ओपन कर रहा हूं इसको। और इस सेंसर को यहां से इस वायर को अनप्लग कर देंगे, और इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, और इस चक्री को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे चिपकी हुई होती है तो इसको बढ़िया गम से चिपका दीजिए। ये जो है ये धूल आपको स्किप कर दे रहा था, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, साफ कर देंगे। और आप इसको, इस गम को आप मत टच कीजिएगा, क्योंकि गम अगर ख़राब हो जाता है तब भी आप गम से दोबारा चिपका सकते हैं। इसको पानी से बढ़िया धो दीजिए। ये जो इसके जो ब्लैक कलर की दिख रही है इसको बिल्कुल साफ नहीं करनी है, क्योंकि साफ करने के बाद ये ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप, हमारा हमने इसको साफ कर दिया है, और हम इसको आप वापस लगा देंगे। तो हमने इसको क्या किया है, वापस सेट कर देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, वापस सेट कर दे रहे हैं। ये जो चक्री होती है इस गियर के साथ में घूमती है, यानी जो अंदर पीछे वाला गियर है उसके साथ चिपकी होनी चाहिए, और ये अलग से नहीं घूमनी चाहिए। अगर ये घूम रही थी इसको आप चिपका दीजिए, गम से इसको चिपका दीजिए। और हम इस सेंसर को अब वापस सेट कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने इस सेंसर को इसके साथ सेट कर रहे हैं, और हम इस नट को भी इसमें सेट कर दे रहे हैं। जैसा कि हमने इस नेट को सेट कर दिया है, और हम अब क्या करेंगे, प्रिंटर को थोड़ा टेस्ट करेंगे कि हमारा प्रिंटर कैसे छाप रहा है। और आइए ट्राई मारते हैं एक बार, और हम यहाँ से इसको बंद करेंगे, और इसको बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अभी हम इसका जो है कवर नहीं लगा रहे हैं, हम अभी इसको ट्राई मार रहे हैं कि इसमें क्या प्रतिक्रिया आ रही है। हमारा का प्रिंट सही आने लगेगा तो हम इसको क्या करेंगे, कवर को भी सेट कर देंगे। अभी हम इसको सेट नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ अभी ट्राई मार रहे हैं। आइए मारता हूँ, मैंने इस प्लग को लगा दिया है और प्रिंटर को भी ऑन कर रहा हूँ। मैंने प्रिंटर को ऑन कर दिया,
प्रिंटर को ऑन करने के बाद हम वापस इस कार्ड को रख रहे हैं, वापस इस कार्ड को हम रख रहे हैं जैसे कि मैंने रख दिया, और फिर से हम प्लेन पेपर लगा रहे हैं और फिर से फोटोकॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसको रख लिया है इस पर, अब हम फोटोकॉपी करेंगे और टेस्ट करेंगे कि हमारे इसमें लाइन कट रही है कि नहीं कट रही है। चलिए आइए मारते हैं, हमारा प्रिंटर रेडी है और हम अब कलर वाली बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हमने कलर लगा के रखा है। और ये हमने पेपर लगा के रखा है अभी और टेस्ट मार रहे हैं। जैसे कि हमारा जो प्रिंटर है वो इन कर लिया है पेपर और फोटोकॉपी करने की कोशिश कर रहा है, और आइए देखते हैं कि कैसा प्रिंट आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एक भी नहीं कट रहा है, यानी ये जो समस्या थी वो सर्कल इनकोडर की समस्या थी, यानी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो इसकी समस्या थी, इस इनकोडर की समस्या थी। इनकोडर में धूल लगने के कारण ये प्रॉब्लम जनरेट हुई थी और हमारे इस कार्टेज समस्या ऐसे नहीं होती। अगर आपका पैटर्न बिल्कुल सही आ रहा है तो इस कार्टेज समस्या नहीं होती है, कार्टेज को ख़राब ना करें। और बिना इसके ऊपर किए, यानी ये लॉक है, इसको बिना ऊपर करें, इस कार्टून से ना निकालें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। हम इस प्रिंटर को अब सेट कर रहे हैं और हमारा जो प्रिंटर है वो फाइनली रेडी हो चुका है। प्रिंटर बंद करके इसका कवर हम सेट कर लेंगे, इसे हमने प्रिंटर को बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, हमारा प्रिंटर अब फाइनली सही हो चुका है, हम इसको ऊपर करेंगे। ये हमने इसको लगा दिया यहाँ पे और इसको ऊपर कर लेंगे। और यहाँ पहले यहाँ आपको सेट करना है जैसे मैंने सेट किया है, और इसको ऊपर करेंगे और इस साइड सेट हो चुका है और इस साइड भी सेट कर देंगे, ठीक है। और पहले इस होल को और इस होल को मिला लेवे, पहले इसको ये मिला भी लेवे इस पर तो सही सेट कर लेवे। तो जैसे कि मैंने मिला रहा हूँ, ये मैंने मिला लिया है और हमने इसको दबा दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इस साइड भी बिल्कुल फिट हो चुका है। अब हम दो नट हमारे पास है, हम इसको सेट कर देंगे। अब हम फाइनली इसको नट को लगा देंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने नट कस रहे हैं, ये हमने नट को टाइट कर दिया है और हम सेकंड नट को भी टाइट कर देते हैं। तो हम भी जैसे कि मेरा प्रिंटर ऑन हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, कलर वाली बटन प्रेस कर देंगे या ब्लैक वाली इस बार हम बात प्रेस कर रहे हैं। टेस्ट करते हैं फोटोकॉपी की क्या आ रहा है। जैसा कि हमारा प्रिंटर है वो कागज इन कर लिया है और छापने की कोशिश कर रहा है फोटोकॉपी, जैसा कि हमारा प्रिंटर वो कर रहा है। और फाइनली देखिए आप, बिल्कुल पैटर्न अच्छा निकाला है और बेहतरीन क्या है, आपका जो प्रिंट आउट है वो अच्छा दिया है, फोटोकॉपी अच्छा दिया है। तो हमारा जो प्रिंटर फाइनली रेडी हो चुका है और हम इसमें कुछ हेयर कट नहीं करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।